जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तक मौका नहीं मिला बिना सत्संग सुनाना, बिगेस्ट ब्लेसिंग जी। बिल्कुल, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आंटी जी, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी। गुरु जी के वर्ड्स थे और आपने सुना भी होगा पहले भी, और जो सत्संग में आता है उसको भी गुरु जी की उतनी ब्लेसिंग मिलती है, और जो सुनाता है उसके तो फिर मिलती ही मिलती है उसको। तो कभी भी मन में ये नहीं लाना कि हम बोलेंगे क्या और कहेंगे क्या, हमें तो आता ही नहीं है कुछ बोलना। नहीं, बिल्कुल विन, लव यू टू आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारा आपने फैमिली दी है गुरु जी। और अब बिलीव नहीं करोगे भी मैं गुरु पापा से यही बात कर रही थी। गुरु पापा, क्योंकि मैं तो पल पल बात करती हूँ गुरु जी से, मैं मतलब हर चीज गुरु जी से बोलती हूँ, और आपको भी बोलनी है साथ संगत जी, क्योंकि गुरु जी महाराज अपनी फैमिली के हैं, वही तो हमारे पालनहर्ता है, वही सब कुछ करते हैं हमारे साथ। तो उनको भगवान ने एक, भगवान तो है ही, वो प्यार करना है उनको, जैसे हम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने अंकल आंटी से प्यार करते हैं, ऐसे गुरु जी से प्यार करना है। गुरु जी से कोई डरना नहीं है, गुरु जी भगवान है, भगवान जी तो है ही, गुरु जी महाशिव तो है ही, लेकिन प्यार करना है गुरु जी से, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, जैसे मम्मा पापा को करते हैं, ऐसे प्यार करना। और वैसे मैंने गुरु जी से प्यार किया है, क्योंकि मेरे पापा हैं और मैं तो गुरु जी के बिना रह भी नहीं सकती। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है ना, आज भी गुरु जी ने मेरी इतनी परीक्षा ली है, मैं अभी ऑफिस का काम कर रही थी और मेरे कॉलेजेस भी चल रहे हैं, तो साथ साथ मैं कॉलेज भी कर रही हूँ, अभी कंटिन्यू क्लासेस हो रही हैं, और गुरु जी की सेवा मैं बहुत कम कर पाती हूँ, और जब तक मैं नहीं करती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती है सत्संग जी, मैं सो नहीं पाती, मैं खाना नहीं खा पाती। मैं गुरु पापा को यही बोलती रहती हूँ, गुरु पापा मैंने आपसे मांगा क्या है? गुरु जी से मांगना नहीं है, मानना है। जब मान लेंगे गुरु जी को तो मांगने वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा सत्संग जी। और मैंने जब भी मांगा है ना गुरु जी से, तो एक ही चीज़ मांगी है, गुरु जी, गुरु पापा जी, आप मुझे बस आप चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। तो गुरु जी ने मुझे इतनी सेवा दी हुई है, इतनी सेवा दी है कि बस यही मेरा जीवन है और यही खत्म हो जाएगा गुरु जी के चरणों में। तो गुरु जी से हमेशा गुरु जी को ही मांगना है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे कॉलेजेस चल रहे थे, और कल से मेरी छुट्टियां थी, आज कल और 3 दिन की छुट्टियां थी मेरी कॉलेज की, तो कल से मैं अपने ऑफिस का काम कंटिन्यू करने लग गई हूँ। तो ऑफिस को भी नहीं छोड़ सकते, काम भी जरूरी है, क्योंकि फादर भी नहीं है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी हो ही जाती है, लेकिन जब से गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा है तो सब कुछ नॉर्मल है। बहुत प्यारी लाइफ है, ब्यूटीफुल। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस करा है सात संगत जी, इतना ब्लेस करा है गुरुजी ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। इन फ्यूचर भी ब्लेस करा है गुरुजी ने, और मैं आने वाले टाइम में वो जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज, और जब गुरुजी के दरबार लगता है तो गुरुजी के आगे से ही बोला जाता है, मैं क्या बोलूंगी गुरुजी का, मैं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या लिख पाऊंगी गुरुजी को। मैं लिखने पे आई तो कागज कम पड़ जाएंगे, पेन खत्म हो जाएगा मैं, लेकिन वो वर्ड्स खत्म नहीं होंगे गुरुजी के लिए, मानते हो ना आप ये चीज। तो गुरु पापा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, गुरु पापा के लिए वर्ड्स ही कम है। अभी अभी मैं गुरु पापा से कह रही, गुरु पापा परीक्षा लेते हैं, ये बात होती है, जब मम्मी पापा भी तो डांट लगाते हैं ना, ऐसे गुरुजी हैं, गुरुजी भी कभी कभी डांट लगाते हैं। अभी मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरु पापा मैं देखो आपको, अभी मेरा सत्संग मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था, 4 डेज हो गए हैं, 4-5 डेज हो गए हैं गुरुजी के ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म था सत्संग सिमरन सेवा, वहाँ पे मुझे सत्संग ही इन्विटेशन था आंटी का, तो वहाँ पर भी मैं सत्संग सुना रही थी, शायद आंटी सुन भी रहे हो, कंचन दीदी, तो वहाँ पर मैं सत्संग शेयर कर रही थी। और वहाँ पे सत्संग जिस दिन मुझे मिला था, उससे मैं एक दिन पहले गुरु पापा से यही बोल रही, मैंने कहा गुरु पापा जी मुझे ना बहुत दिन से सत्संग नहीं मिला है, और मिला तो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से मैंने आपका सत्संग नहीं किया है। आप मुझे तो सत्संग रोज देते हो, रोज गुरु जी की ब्लेसिंग आती है, आप बिलीव नहीं करोगे गुरु जी ने इतना ब्लेस करा है, क्योंकि मतलब मैं बता ही नहीं सकती, मैं वही है ना, मैं बखान नहीं कर सकती, गुरु जी पल पल साथ हैं मेरे साथ, पल पल साथ हैं। मैं गुरु जी से कह रही, गुरु पापा आपने बहुत दिन से मुझे सत्संग नहीं दिया, मुझे सत्संग करना है, मतलब बहुत मन हो रहा है गुरु जी, मैं आपका सत्संग करूंगी। तो गुरु जी ने, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 घंटे बाद ही उसी रात को गुरु जी का इनवाइट आ गया मेरे पास कि आ जा सत्संग कर, चल सत्संग कर तू। तो अगले दिन फिर मैंने सत्संग भी शेयर किया, उस दिन मैं मेरठ गई थी। तो सत्संग जी, सबसे पहले तो गुरु जी कहते थे शुरू से सत्संग किया करो, ये गुरु जी के वर्ड्स हैं जो मैंने सीखे हैं, गुरु जी ने सिखाए और संगत से मैंने सुने हैं ये। गुरु जी कहते थे हमेशा शुरू से सत्संग किया करो, तो मैं शुरू से ही, मैं आपको शॉर्टली, क्योंकि जब शुरू से करते हैं तो शॉर्टली ही करते हैं, जब मैं गुरु जी से, गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा था उस टाइम, मैं 2nd ईयर में थी कॉलेज की, अब मैं 3rd ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। तो गुरुजी ने, मैं
सत्संगत जी बहुत डिप्रेस थी, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, और उस टाइम तक मतलब दिमाग ही नहीं था क्योंकि गुरु बाबा मिले नहीं थे। ये कलयुग था, आजकल के जैसे बच्चे होते हैं कॉलेज के, फ्रेंड्स बना लिए ऐसे वैसे, इधर चले गए घूमने, ठीक है कभी किसी का बर्थडे हुआ है तो चले गए घूमने, बस इतना था। और गुरु जी महाराज जिस दिन हमारे घर आए सत्संग जी, मैं आपको शुरू से शेयर करती हूँ, मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 2018 में, तो ये मेरे लिए आंसर है। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सत्संग जी, गुरु जी महाराज, गुरु पापा ने मुझे सिखाया है कभी भी मन में ये नहीं लाना आपको, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक तो कभी भी मन में ये नहीं लाना जो मैंने आपको बताया कि हम कैसे करेंगे सत्संग, क्या करेंगे, बोलेंगे क्या। गुरु जी कहते हैं, मैंने गुरु पापा से यही बोला था जब गुरु पापा ने मुझे सेकेंड टाइम सत्संग दिया, फर्स्ट टाइम तो मैंने कर दिया डर डर के जितना मुझे आया, पिछले साल जब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था जब मैं 19 ईयर्स की थी, मैंने डर डर के कर दिया गुरु जी के ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म पर। जब सेकंड टाइम गुरु पापा ने मुझे सेवा दी सत्संग की, तो मैं बहुत हेजिटेट, बहुत, गुरु पापा मैं बोलूँगी क्या, मुझे तो आता ही नहीं है बोलने, मैं लाइव क्या बोलूँगी, सबके सामने कैसे बोलूँगी, कुछ गलत ना बोल दो। गुरु जी महाराज ने मुझसे कहा डायरेक्ट, तू खुश है ना, तू खुश है, यही तो तेरा सत्संग है। तो गुरु जी महाराज का देखो सत्संग, आप खुश हो, आपको यही बताना है कि गुरु जी ने कैसे ब्लेस किया हुआ है। और सेकेंडली आंटी ने बोला ये मेरे लिए आंसर है, सेकेंडली यही, जब गुरु जी का दरबार लगता है तो मन में ये नहीं लाना कि हमने तो ये सत्संग इन आंटी का पहले से सुना हुआ है, हम दोबारा नहीं सुनेंगे, ये कभी भी मन में नहीं लाना सत्संग जी, क्योंकि गुरु जी को पता है कब और किस टाइम किसको कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी। जब भी नया सत्संग होता है, दोबारा से वही सत्संग होता है, तो गुरु जी की ब्लेसिंग से वो जो है भर जाता है दोबारा से। तो कभी भी मन में मत लाना कि ये सत्संग तो हमने सुना हुआ है। मैं अभी सत्संग शेयर किया अपनी फ्रेंड से, तो बीच में से कर रही थी, इसलिए गुरु जी कह रहे थे शुरू से सत्संग करो। हाँ जी बिल्कुल, शुरू से ही करना चाहिए, तो मैं आपको शुरू से ही करती हूँ। और जब मैं सत्संग करती हूँ तो मैं रुकती भी नहीं हूँ, जब तक गुरु जी महाराज चाहते तब तक मैं करती ही रहती हूँ। तो जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। तो गुरु जी महाराज जब हमारे घर आए, मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 2018 में, पापा के एक्सपायर होने के सही 20 से 25 दिन, मतलब महीना भर ही हुआ होगा, गुरु जी महाराज हमारे घर आए। गुरु जी का फर्स्ट स्वरूप गुरु जी के बड़े मंदिर से मिला था मेरी मम्मा को, और जो मेरी मम्मा हैं वो कभी भी किसी भी गुरु पे बिलीव नहीं करते हैं। हमारे जो फैमिली पंडित जी हैं जिनसे कुंडलियाँ बनवाते थे, लेकिन आज के टाइम में तो जब हम गुरु पापा के हुए तो कोई पंडित नहीं। मैं आपको इस पे भी स्टोरी सुनाऊंगी, गुरु जी के वर्ड्स हैं, तो मैं आपको सत्संग शेयर करूंगी जरूर। तो गुरु जी जब हमारे फैमिली पंडित थे, तो उनसे जिनसे कुंडलियाँ वगैरह बनवाते थे, तो सब बोलते थे पंडित को गुरु बनाना चाहिए। और हकीकत में गुरु जी अपनी लाइफ में गुरु होना जरूरी है सत्संग जी, क्योंकि गुरु ही है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है, जो मोक्ष दिलवाता है। तो गुरु होना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कहीं भी कीर्तन होता है, सत्संग होता है, सेवा होती है, ये जागरण भी होता है, महारानी भाम भवानी का जागरण होता है, माता रानी का हो रहा है, कृष्ण जी का हो रहा है, बजरंग बली जी का हो रहा है, कोई सी भी भगवान जी का हो रहा है, वाहेगुरु जी का हो रहा है, सबसे पहले गुरु को याद किया जाता है। तो इसलिए गुरु का जो दर्जा है ना, गुरु जी की जो पावर है वो लाइफ में सबसे बड़ी है। तो गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। और आज ही आप सब भी जो जिनके गुरु जी हैं वो तो है ही, और हमारे गुरु जी तो महाशिव हैं। अगर किसी के गुरु नहीं भी है ना, तो वो अपने मम्मी पापा को गुरु बनाए, जरूर बनाए, क्योंकि गुरु ही आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाएगा, गुरु जी ही हमें लेने आएंगे। तो ऐसे ही मम्मा किसी गुरु को नहीं मानती थी, मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगी, नहीं, ये मम्मा का ही सत्संग है, मैं शॉर्टली शेयर कर रही हूँ आपसे। तो मेरी जो नानी है, वो हम जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, तो नानी के नियर बाय नानी ने बोला अभी यहीं पर रह ले करना, पास में थोड़ा हेल्प हो जाती है जब फैमिली में रहती है। तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए, रोहिणी शिफ्ट हो गए, रोहिणी में रहती थी नानी। नानी गुरुजी महाराज के यहाँ जाती थी आश्रम में। मेरी नानी को मेरी मासी ने कनेक्ट किया था, नानी भी नए नए कनेक्ट हुए थे, गुरुजी के बारे में जानती नहीं थे ज़्यादा। तो मेरी मम्मा से बोला चल तुझे अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है वहाँ पे, गुरुजी महाराज तेरा सब कुछ ठीक कर देंगे, मान के देख। लेकिन मन में वही, हम किसी गुरु को नहीं मानते, कोई गुरु नहीं होता, कुछ नहीं होता। जबरदस्ती एक बार बोला नहीं गए, दो बार बोला नहीं गए, अपने आप अकेले चले जाते हैं नानी। थर्ड टाइम फोर्थ टाइम ऐसा हुआ, एक बार मेरे मामा ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, चल आज मैं तेरे को लेके ही जाऊँगा, तू कुछ मत करियो, लेकिन तू चल। वो भोले जी का मंदिर है, बड़े मंदिर जिसमें 12 तीर्थ धाम का गुरु जी ने इतनी पावर है,
उस शिवलिंग में गुरु जी ने इतना पाठ किया है सत्संगत जी अपने बच्चों के लिए, इतनी पावर है। अब सारे तीर्थ धाम छोड़ के एक बार गुरु जी महाराज के भी चरणों में बड़े मंदिर चले गए ना, सारे तीर्थ धाम हो गए, सारे हो गए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि सारे तीर्थ धाम गुरु जी के चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपने शब्द भी सुना होगा, तो ये हकीकत है, सारे तीर्थ धाम हमारे गुरु जी के चरणों में ही होते हैं। तो हमारे गुरु जी तो महाशिव है, ब्रह्मांड के पिता हैं। और जब गुरु जी महाराज मुस्कुराते हैं ना, जब गुरु पापा आते हैं, मैं गुरु पापा से बड़े रट्टे मार के बड़े हंस हंस के बात करती हूँ, गुरु पापा आ गए, हक कर लो, बैठ जाओ, ऐसे कर लो, अब ऐसे चलते हैं, गुरु पापा यहाँ चलते हैं, गुरु पापा कॉलेज चलो मेरे साथ, मतलब हर जगह गुरु पापा को लेके जाना है। अब मैं आपको लेटेस्ट सत्संग शेयर करूंगी अपने सारे, और संगत और सत्संग तो मैंने शायद पहले भी शेयर किए हुए हैं, तो मैं अपनी रिसेंटली सत्संग शेयर करूंगी आपको अभी। तो मैं आपको स्टार्टिंग बता रही थी, फिर मम्मा गए बड़े मंदिर, मम्मी जब बड़े मंदिर अचानक से गए, फर्स्ट टाइम गए अपना, ठीक है, मम्मी ने जय गुरुजी, जब समाधि के पास गुरुजी की मत्था टेका, तो मम्मी गए थे 2019 में, तो मम्मा फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज हमारे घर में आए थे 2019 में, तो मम्मा ने जब मत्था टेका तो मम्मा के इतने आंसू, मम्मी बहुत रोई, मम्मा का ही सत्संग है, बहुत रोई। मम्मा ने मुझे शेयर किया था, जब तक मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, मैं कभी नहीं गई थी गुरु पापा के पास, तो मम्मी कहती है आके मम्मी सत्संग शेयर किया कि मैं बहुत रोई, और ना रोते रोते मेरे ना मन से आवाज आई कि गुरुजी आप मुझे पहले मिल गए होते तो काश मेरे हस्बैंड नहीं जाते, मेरे पापा नहीं जाते। तो ये मन से आता है, लेकिन जो होनी होती है वो तो हो ही जाती है, वो गुरुजी के हाथ में ही है, जब गुरुजी ने जीवन दिया है तो गुरुजी अपनी मर्जी से बुलाते भी हैं। तो अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन मन से आवाज आएगी गुरुजी आप मुझे पहले मिल जाते। जो गुरु के पास नहीं जा रही थी आज वही कह रही है गुरुजी आप मुझे पहले मिल जाते, फर्स्ट टाइम जाते। बहुत रोई, घर आ गए, बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी का जल प्रसाद मिला, गुरुजी का डिवाइन स्वरूप मिला, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। तो जो डिवाइन स्वरूप गुरुजी का येल्लो चोले में बड़े मंदिर से मम्मा को मिला, तो मम्मी वो लेके आए, जल प्रसाद लेके आए। जब मैं अपनी दादी के पास रहती थी नागले, जो अभी मैं हूँ करंटली लोकेशन पे, तो मैं जब मम्मी के पास गई रोहिणी, तो मम्मी ने बोला मुझे कि ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे हुआ गुरुजी का। और जब मम्मी आए ना, तो मम्मी के ना कपड़ों में इतनी फ्रेगनेंस, जो सूट पहन के गए थे इतनी फ्रेगनेंस आ संगति, रोजेस की फ्रेगनेंस, मोगरे की फ्रेगनेंस, उसको क्या था, मतलब गुरुजी महाराज साथ आ गए हैं, घर आ गए हैं गुरुजी। और जब मम्मा ने ये शेयर किया तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि फ्रेगनेंस का आना है, गुरुजी का आना है, क्योंकि ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी कहते थे मैं एक लाइट हूँ, और जो गुरुजी के महाराज की जो अंदर से जो फ्रेगनेंस आती थी ना, वो हमारे लिए ब्लेसिंग होती थी जब गुरुजी महाराज बैठते थे। और आज भी वो मुझे गुरुजी ने एक बार ये वाली ब्लेसिंग दी थी, फ्रेगनेंस वाली, जब मैं दिव्याभा का पाठ कर रही थी, तो ऐसे ही मम्मी ने मुझे शेयर किया। जब मैं मम्मी के पास गई, मम्मी कहती है ऐसे ऐसे बात है, मम्मी ने नानी को बताया, मम्मी कह रही है कि ना मैं आई और जब मैंने सूट उतारा तो उसमें से बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी, मैंने धोया ही नहीं इसलिए, क्योंकि रोजेस की फ्रेगनेंस आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, मैं ऐसे रख देती। मम्मी ने ऐसे ही तय करके अपना फोल्ड करके अलमीरा में रख दिया। फिर मम्मी ने नानी को फोन किया, मैंने, मम्मी कह रही कि कल मैं गई थी गुरुजी के आश्रम और बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही है, मैं क्या करूँ। मम्मी कह रही, नानी कह रही मुझे भी नहीं पता, तू बहन से पूछ ले, मासी से पूछ ले। मासी से बोला, जो मासी कनेक्ट थे, तो मासी को भी नहीं पता था, मासी बोली सत्संग सुन ले पता चल जाएगा। मम्मी ने यूट्यूब पे ओल्ड संगत के ऐसे सत्संग लगा दिए, कुछ पता ही नहीं था गुरुजी महाराज सत्संग, वहां पे ओल्ड संगत का किसी का सत्संग आ गया, आंटी का और नांटी का, मुझे नाम याद नहीं है एग्जैक्ट, उनके सत्संग में सेम आंसर मिला, गुरुजी महाराज पल पल साथ रहते हैं। गुरुजी आप सत्संग जी गुरुजी महाराज से बोल के देखो, आप गुरुजी आपको तुरंत आंसर देंगे। देखो गुरुजी ने कहाँ आंसर दिया, यूट्यूब पे सत्संग खोला और उसमें आंसर आया, उसी संग आंटी ने शेयर किया कि गुरुजी की जब रोजेस की फ्रेगनेंस आती है या मोगरे की, जो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया मान लो आपका, बस मम्मा इतनी खुश, वाओ गुरुजी हमारे घर आ गए हैं। और मम्मा ने ये जब सत्संग सुना, तुरंत अलमीरा खोली और वो सूट निकाला। मम्मी कह रही चल मैं दोबारा से देखती हूँ उसमें से खुशबू आ रही है नहीं आ रही है, जब देखी खुशबू तो उसमें कोई खुशबू ही नहीं, सब खत्म। तो मम्मी बड़ी अचंभा, मम्मी को लगा कि पता नहीं क्या हो गया या अचानक से खुशबू। तो गुरुजी परफेक्ट टाइमिंग, गुरुजी जब चाहते हैं तब वो ब्लेसिंग मिलती है, और जिसको चाहते हैं वो उसी को आपको फील होगी, जिसको वो फील कराना चाहते हैं जिस टाइम में। तो ये हमारे गुरुजी की लीला है, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज,
ऐसे गुरुजी महाराज हमारे घर आए। फिर धीरे धीरे मैं कैसे कनेक्ट हुई, मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ। मैं कॉलेज था, सेकेंड ईयर, 19 ईयर्स की थी, दिमाग बहुत छोटा सा बच्चों वाला था, आज भी बच्चों वाला है, लेकिन आज गुरुजी ने इतनी मतलब समझ दे दी है, मैच्योरिटी आ गई है, 50% तो आई गई है मेरे हिसाब से, तो बाकी गुरु पापा ही जानते हैं और आप लोग जानते होगे मेरी बातों से। तो तब तक तो 0% थी, मैच्योरिटी है थी नहीं बिल्कुल जी। तो गुरुजी महाराज ने मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ फ्रेंड सर्कल में, जो मेरी लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा वो होने वाली थी सात संगत जी खराब, गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी। मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ बिकॉज गुरुजी कहते थे शॉर्टली शेयर कर, बहुत ब्लेस कर रहे हैं, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी मैं शायद हमारे पापा जिंदा होते हैं, हाँ जी कोई बात नहीं। तो गुरुजी की देखो, गुरुजी महाराज ईश्वर है, भगवान है, महाशिव है, गुरुजी ने ही जीवन लिखा है, और गुरुजी जब चाहेंगे तभी बुला लेंगे, तो बस गुरुजी पे छोड़ दो आप। देखो जब घर का मेंबर कोई जाता है ना, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, मेरे फादर गए हैं और गुरुजी को मैंने अपना फादर माना, आज तक मुझे पापा की कमी महसूस नहीं हुई है। मैं पापा को देखती हूँ, और मैंने ही नहीं मेरी फैमिली में मेरे पापा के दर्शन हुए हैं गुरुजी में, तो बस प्यार करना है गुरुजी को। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, सेम मेरे साथ भी यही हुआ था जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। तो गुरुजी है ना पापा, आप उनको पापा मनाओ, आपको आपके पापा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, आपके पापा गुरुजी के अंदर आपको दर्शन देंगे। रोते रोते बोल रही थी, हाँ जी बिल्कुल बोल रही थी, और ऐसी मन से आवाज निकली जो गुरुजी के पास जाना भी नहीं चाहती थी, अचानक सही और गुरुजी घर आ गई। फिर ऐसे करके मैं कैसे आपको बता रही थी, हाँ जी कैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, धीरे धीरे मैं मम्मी कहती थी गुरुजी बड़े अच्छे हैं, आप जय गुरुजी बोला करो, बस इतना ही था। तो जय गुरुजी, अच्छा आंटी ओके ओके, सेम लाइंस मैंने भी बोली, हाँ जी। तो गुरुजी, अच्छा आपने भी बोली दीपाली आंटी, ओके ओके, जय गुरुजी, शुक्राना मालिक आपको इतना ब्लेस करे गुरुजी, इतना ब्लेस करे आंटी जी, इतनी खुशियां दे कि आपके आसपास भी ना भटके ये मुसीबतें। बिल्कुल मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, सभी के लिए अरदास करती हूँ, मेरे सारे जो जितना भी गुरु परिवार है सात संगत जी, मेरे गुरुजी सबको इतनी खुशियाँ देना, सबको मेरी उम्र लगा देना। मैं तो सबसे यही बोलती हूँ, मैं इतनी छोटी हूँ लेकिन गुरुजी ने इतना कुछ सिखाया है मुझे। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब खराब ही होने वाली थी, मुझे पता ही नहीं था क्या होता सात संगत जी। गुरुजी महाराज साक्षात आते हैं, और मैं आपको शुरू से शेयर करती हूँ, मेरा मतलब किसी के साथ मतलब मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे प्रपोज किया मैरिज के लिए, बट वो मेरे से 10 साल बड़े और मैं उनसे 10 साल छोटी, कॉलेज के फ्रेंड ही थे मान लो आप। तो मेरे को नहीं पता था शादी के लिए प्रपोज किया, ठीक है जानते ही तो कुछ भी क्या होता है, बस ये था कि शादी होनी है, तब तक दिमाग ही नहीं था, कोई रिलेशन नहीं कुछ भी नहीं, 4 दिन की बात थी, ठीक है महीना भर हुआ, बात करते करते एज अ फ्रेंड बने, घर पे बात करी, मेरी मम्मा ने बोला चलो ठीक है हम कर देंगे, उन्होंने बोला, मैंने अपने घर पे बता दिया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था, झूठ बोला था, मैंने बोला, मम्मी ने बात करी, जब बात करी उनके घर में तो उनको किसी को पता ही नहीं था, उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने बात करी, वो कहते नहीं बेटा ये आपको डिजर्व ही नहीं करता, एक तो ये आपसे 10 साल बड़ा है, उनकी सिस्टर ने बोला नहीं बेटा इसके तो और भी अफेयर्स हैं, ये आपको डिजर्व ही नहीं करता, आप गुरुजी की बेटी, और वो गुरुजी वाले नहीं थे, जो उनके फादर के साथ एक अंकल आए थे, मतलब उनके फ्रेंड थे वो गुरुजी वाले थे सात संगत जी। तो जो वो अंकल आए थे ना, तो उन्होंने मुझे पर्सनली मतलब उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया, उन्होंने मेरे गले में लॉकेट देखा, उन्होंने बोला कि आप गुरुजी को मानते हो बेटा, अगर आप गुरुजी वाले हो, गुरुजी आपको इतनी लाइफ ब्लेस करेंगे बेटा, भूल जाओ ये आपको डिजर्व ही नहीं करता और आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। उस दिन का दिन है सत्संगत जी, आज का दिन है, गुरुजी महाराज ने सब कुछ खत्म कर दिया, मुझे लाइफ ब्लेस करी, वो साक्षात गुरुजी आए थे। देखो वो लोग गुरुजी वाले नहीं थे, जो उनके साथ आए थे वो गुरुजी वाले थे अंकल, उन्होंने मुझे समझाया, फिर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया टाइटली, लेकिन फिर भी ना मन में ऐसा रहता था गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, डिप्रेस हो जाता ना एक बंदा कि ऐसे क्यों हो गया, गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं गुरुजी से कभी बातें नहीं करती थी ना, मैंने गुरु पापा को गुरु पापा बोला था उस दिन तक, मैंने 2-4 दिन बाद मुझे अमृत वेला मैं करती थी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ था वाहेगुरु जी ने पिछले साल, तो मैंने पूरे साल अमृत वेला करा, लेकिन अब गुरुजी की आज्ञा से मैं अमृत वेला नहीं करती हुई, गुरुजी की आज्ञा ही है, क्योंकि हमारे गुरुजी मना करते थे अमृत वेला के लिए, इसीलिए क्योंकि वो गुरुजी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे तो 2:30 बजे तक रात के तो गुरुजी संगत करते थे, इसलिए गुरुजी मना करते थे अमृत वेला नहीं करना।
तो इसलिए गुरु जी की 3 बार आज्ञा हुई थी कि तू मत कराकर अमृत वेला, घर का भी देख दिया, ऑफिस का भी काम है, इधर का भी काम है, उधर का भी है, तू मत कराकर। ठीक है गुरु जी, गुरु जी ने मुझे जॉब भी ब्लेस करी, सत्संग जी बहुत सारी ब्लेसिंग है, मैं आपको अभी रिसेंटली सत्संग शेयर करूंगी इसके बाद। तो गुरु जी महाराज से गुरु पापा ने, मैं अमृत वेला कर रही थी एक रात, मतलब मैं रात को 2:30 बजे उठती थी, फिर नहाती थी, 3 बजे से अमृत वेला शुरू करके सुबह के 5:30 बजे तक करती थी अमृत वेला। गुरु नानक जी के शब्द सुनती थी और पाठ सुनती थी, सारे पाठ सुनती थी और गुरु जी का मंत्र जाप करती थी। तो मैं गुरु पापा को अच्छे से नहीं, मैंने कभी भी नहीं बोला दिल से कि जय गुरु जी भी, मतलब ठीक है गुरु जी बातें करती थी, आप गुरु जी हो, मम्मी ने बताया है गुरु जी है, ठीक है इतना है। एक दिन मैं अमृत वेला कर रही, मैं इतना रोई सत्संगत जी, जैसे मेरी मम्मा रोए ऐसे मैं रोई, क्योंकि गुरु पापा, अगर गुरु पापा, मेरे मुंह से पापा निकला क्योंकि गुरु जी मेरे पापा नहीं, क्योंकि देखो एक जो फादर और डॉटर का रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन सिर्फ मतलब एक मदर और एक फादर में होते तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एक डॉटर का जो रिश्ता होता है ना फादर से, वो रिश्ता किसी से नहीं हो सकता, वो प्यार एक बेटी का जो बाप से होता है ना वो नहीं हो सकता, और एक बेटे का एक माँ से। आप खुद भी आपने फील किया होगा, मैंने गुरुजी को पापा बोला, मैंने कहा मेरे पापा नहीं, आप मेरे पापा हो और गुरुजी आप भगवान जी हो, मुझे पता है भगवान जी और शिव जी का रूप हो, बस इतना पता था, कभी मैंने इतना जाना ही नहीं गुरु जी के बारे में। गुरु पापा से उस रात को मैंने रोते हुए, नीचे हमारे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, रॉक स्टार स्वरूप, काफी बड़ा सत्संग स्वरूप, उस स्वरूप के आगे मैं अमृत वेला कराया करती थी गुरु जी का। तो मैंने वहीं पे बोला गुरु पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, या तो मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि जो मेरे माइंड में ना ये सब रहता है ना, उसको या तो बुला दो आप, मेरा हाथ पकड़ के बुला दो, जो दिमाग में रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, चीट क्यों हुआ, मन में ऐसा चलता रहता था, मतलब एक डिप्रेस हो जाता है ना, ऐसा हो गया था। तो मैंने गुरु पापा से बोला गुरु पापा या तो मेरे माइंड से वो सब बातें निकाल दो गुरु जी, मैं बहुत छोटी हूँ, अभी तो मेरी लाइफ है, और अंकल ने मुझे समझाया था गुरु जी वाले कि आपके बेटा लाइफ है, अभी तो पढ़ना भी है, जॉब भी करनी है, सब कुछ करना है अपने घर के लिए, गुरु जी मेरे माइंड से निकाल दो या तो अपने पास बुला लो। दो बात बोली गुरु पापा को मैंने ऐसे करके, मैंने कहा गुरु पापा हाथ पकड़ लो, गुरु जी ने इतने टाइटली हाथ पकड़ा, सत्संगत जी आज का दिन है, मेरे पापा ने इतना प्यार दिया है मुझे, इतना प्यार दिया, इतनी सेवा दी, वो दिन गुरु जी ने धीरे 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 मतलब उस मुट्ठी में ले लिया, उस मुट्ठी में ले लिया गुरु जी ने, और इतना प्यार करा, थैंक यू सो मच आंटी। और गुरु जी कहते थे मेरी संगत मुट्ठी बिच है, बाकी सारे तो बेट चाल है, तो गुरु जी की मुट्ठी में आना है, क्योंकि देखो हर संगत 5 उंगली बराबर नहीं होती है, आप अच्छे से जानते हो, हर संगत गुरु जी की संगत नहीं हो सकती, क्योंकि आज के टाइम में भी गुरु जी के नाम पे भी बहुत फ्रॉड होता है। आप इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख लेना, बहुत सी पोस्ट ऐसी होती है वशीकरण लिखा है, ऐसे करना है गुरु जी के, मानोगे तो ऐसे हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसका ये हो जाएगा, उसका ये सब झूठ है। अब गुरु जी के नाम पे क्या कर रहे हो, नहीं करना, गुरु जी के स्वरूप को भी एडिट नहीं करना, यहाँ तक कि इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, इतना प्यारा रूप है उनका, उनका क्या एडिट करना, लोग एडिट करके डाल देते हैं, जय गुरु जी आज शुक्राना करेंगे तो गुरु जी झोलियां भरेंगे, नहीं, गुरु जी महाराज तो वैसे भी झोलियां भरते हैं, गुरु जी तो वैसे भी आए हमारा कल्याण करने, हम दिल्ली, गुरु जी हुए थे पंजाब में डुगरी में, हमने कौन से पुण्य कर्म करे थे, गुरुजी दिल्ली भी आए थे, हमारा ही तो कर्म है, हमने कोई अच्छे कर्म करे होंगे, गुरुजी हमें दिल्ली पंजाब से दिल्ली ब्लेस करने आए हैं, ये तो गुरुजी को क्या था, वो तो ईश्वर थे, साक्षात भगवान जी थे, उन्हें तो हमें ब्लेस करने आना था, बताओ हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे ना, नहीं तो ऐसी लाखों करोड़ों मत्थे थोड़े ना टिक जाते बड़े मंदिर में आके, मानते हो ना आप। गुरुजी महाराज सबसे पहले डुगरी में हुए, पंजाब में हुए, जब गुरुजी हुए तो ये गुरुजी का सत्संग है और संगत से सुने, गुरुजी का डिवाइन डिवाइन सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी 2 लाइन का। गुरुजी महाराज की आज्ञा से जब गुरुजी महाराज हुए थे तो पहले के टाइम में दाइयाँ होती थी और हॉस्पिटल्स नहीं होते थे ना, तो बहुत कम होते थे, रेयर होते थे, बिल्कुल गलत, ये जब गुरुजी हमारे साथ है तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं आंटी, बिल्कुल सही, जब गुरुजी अंगसंग है, आप गुरु पापा से एक बार यहाँ से बात करके देखो, यहाँ से पुकार के देखो, आप 24 घंटे बैठे हो मंत्र जाप, गुरुजी ने बोला थोड़ा ना 24 घंटे में आप मेरी पूजा करो, पाठ करो, मंत्र जाप करो, नहीं, अगर आप 24 घंटे में से 2 मिनट भी गुरुजी को यहाँ से याद कर लोगे ना, मन में से सब कुछ भूल जाओ, गुरुजी का वचन भी था, पाठ मुंह से नहीं करना है, लिप्स तो अपना कर रहे हैं काम, मूवमेंट कर रहे हैं,
लेकिन जो माइंड होता है ना, मैं भी जब अमृत वेला करती थी ना सत्संग जी, तो मेरा माइंड ना इन फ्यूचर मुझे याद आता था, पास्ट याद आता था, लेकिन मैं पाठ सुन रही होती थी, कानों में लीड दी होती थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा कोशिश करो मन ना गुरु जी में ही हो, चाहे 2 मिनट के लिए हो, लेकिन मन जो है गुरु जी में ही लगना चाहिए। तब वो गुरु जी कहते थे दिल से या मन से पाठ किया करो, मन से। जो आत्मा से पाठ करता है वो पाठ होता है असली पाठ, मुंह से पाठ किया हुआ असली पाठ नहीं होता। इसीलिए मन में कुछ नहीं सोचना, जब गुरु जी को 2 मिनट भी अगर हम याद कर लेंगे ना 24 घंटे में भी, वो भी 24 घंटा अमृत वेला हो जाएगा, अमृत वेला करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं आपसे डिवाइन सत्संग शेयर कर रही थी गुरु जी के टाइम का, गुरु जी की आज्ञा के साथ। गुरु जी भूल चुक हो जाए तो माफ करना इसमें। तो गुरु जी जब हुए थे तो पहले हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। जब गुरु जी की जो मम्मा है, गुरु जी महाराज हुए, दाइयाँ आती थी पहले, जिस रूम में गुरु जी हुए थे, जब हुए थे, जैसे ही गुरु जी हुए, आसपास पूरे रूम में नाग देवता, नाग नाग ही नाग, नाग देवता के दर्शन, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, सारी जगह नाग ही नाग आ गए थे जब गुरु जी महाराज हुए थे। कौन हुआ है? महाशिव हुए हैं। किसी को क्या पता था? गुरु जी के वचन में भी था कि मैं तो हड्डी मांस का, मुझे तो इंसान समझ लिया। जब गुरु जी चोला धारण नहीं करते थे, जब गुरु जी नॉर्मल कपड़े पहनते थे, टी शर्ट्स और जीन्स पहनते थे, गुरु जी ने चोला बाद में पहना था। जब गुरु जी ने ये वचन बोला था मैं तो हड्डी मांस का हूँ, तो मुझे इंसान ही समझ रहा था इन लोगों ने, भर गया था। हाँ जी बिल्कुल, रूम भी लाइट से भर गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, गुरु जी का डिवाइन सत्संग है। शॉर्टली सत्संग शेयर करूंगी, मैंने और संगत से सुना था गुरु जी के, जो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है। तो सारे में कौन आया? महाशिव आए, हमें तारने आए। गुरु जी डुगरी में हुए, डुगरी से गुरु जी जालंधर गए, मे बी शायद, हाँ जी जालंधर गए और चंडीगढ़, फिर गुरु जी एम्पायर स्टेट आए दिल्ली, एम्पायर स्टेट से गुरु जी महाराज ने बड़े मंदिर बनाया। गुरु जी ने इतना पाठ करा, इतना तप करा वहाँ पे, गुरु जी ने अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट लिया है। गुरु जी को चलने में प्रॉब्लम होती थी सत्संगत जी, गुरु जी को खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी, गुरु जी कभी सोते नहीं थे 24 घंटे में, वो कभी नहीं सोए। गुरु जी कहते थे जब भगवान सो गया तो पता नहीं क्या होगा फिर धरती का, मानते हो ना? गुरु जी सो गए तो फिर क्या होगा? गुरु जी कभी कभी संगत में लेट जाया करते थे, और गुरु जी ने मुझे लेटे हुए भी दर्शन दिए। मैं तो गुरु पापा से बात करती हूँ, तो जो गुरु जी महाराज आज बुलवाएंगे, जो उनसा सत्संग बुलवाएंगे आज, मैं वो बोलूंगी। तो अभी तक तो ये सत्संग था, मैं आपको अपना लेटेस्ट सत्संग शेयर करती हूँ। तो लेटेस्ट जो सत्संग है मेरा, वो गुरु जी महाराज अब परसों ही, मैं आपसे कह रही हूँ, लास्ट सत्संग मैंने शेयर किया था, 4 दिन हो गए मे बी शायद, मतलब लास्ट मैंने किया था संडे को ही किया था, शायद संडे या मंडे किया था मैंने। आज क्या है? वेडनेसडे है। नहीं, संडे मंडे नहीं किया था मैंने, फ्राइडे या सैटरडे किया था सत्संग जी। तो उस दिन मैं मेरठ गई थी, मेरी कजन की शादी थी, तो उस दिन मेरठ जाना था। जब मैंने एक दिन पहले गुरु पापा से बोला था, गुरु पापा मैंने बहुत दिनों से सत्संग नहीं किया, मुझे सत्संग दे दो आज, और उसी 2 घंटे बाद गुरु आंटी का इनवाइट आ गया था, आपको सत्संग करना है। गुरु जी का इनवाइट आया था, गुरु जी ने भेजा था आंटी को मीडियम बना के, तो आंटी का इनवाइट आया। मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरु पापा इसी बात पे हग हो जाए। मैं गुरु जी को हग करने लग जाती हूँ, मैं प्यार करने लग जाती हूँ, थैंक यू गुरु पापा आपने सत्संग दिया। मैंने अगले दिन सत्संग शेयर किया लेटेस्ट, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अभी मैं परसों के सत्संग आपको शेयर करती हूँ। परसों से एक दिन पहले मैं मेरठ से आई हूँ, 3 दिन का हमारा था, 3 दिन हम शादी में गए हुए थे। तो जिस दिन मैंने लास्ट शेयर करके गई थी, उसी दिन मैं निकली थी मेरठ के लिए। दिन में सुबह मेरा सत्संग गुरु जी ने दिया था मुझे 1 बजे के टाइम में, मैं दिन में निकली थी। हाँ जी, तो मैं दिन में निकली थी। तो जब मैं यहाँ से निकली, तो मैं वहाँ पे गुरु जी नहीं, वहाँ पे दादी है, वहाँ पे दादी के घर है गुरु जी। मैंने दादी वाला सत्संग भी आपको शेयर किया हुआ, दादी ने मेरी दादी को लाइफ ब्लेस किया है गुरु जी ने, तो मैं बाद में शेयर करूंगी। तो उनके घर में गुरु जी का स्वरूप है, यही वाला स्वरूप है, बड़ा सत्संग स्वरूप। तो जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो मैं बस गुरु पापा आप चलो, मैं आपको याद करूंगी, और गुरु पापा हक कर लो, और मैं आपको मिस करूंगी, आप भी चलो मेरे साथ, और आप यहाँ पर भी रहो, हैं गुरु पापा जी, आप खाना खा लो, गुरु पापा जी ऐसे, गुरु पापा जी ऐसे, गुरु पापा मेरे अंगसंग रहना, मुझे ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं अपने घर से बाहर आई हूँ और गुरु जी को छोड़ के आई हूँ। मैं इतना रोती हूँ ना, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आरती भी कर रही हूँ ना गुरु जी की, रो जाती हूँ कभी कभी कि गुरु पापा आप कहाँ गए, लेकिन गुरु पापा पास में है, गुरु पापा से बातें करती हूँ ना, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा मैं पागल हो जाती हूँ। मैंने गुरु पापा को बोला आप साथ चलना, आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से मैं गई शादरा से, हमें जाना था मेरी बुआ के घर से शादरा तक, मैं पहुंची, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग, वहां पर मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखी, गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। ये देखो आपको हर चीज गुरुजी की ब्लेसिंग से भरी हुई है,
तो मैं देख रही, मैंने कहा गुरु पापा मेरे साथ चल रहे हो, मतलब मैंने गाड़ी देखी, स्टिकर देखा गुरु जी का, चल रहे हो, चलो अब मेरठ। मैं मेरठ पहुंच गई सात संगत जी, मैं मेरठ तक पहुंच गई, जहां जब मैं उतरी ना रात के 8 बजे, हम दिन में निकले थे, रात के 8 बजे मेरठ पहुंचे, जैसे ही उतरी वहां पे पैर रखा, कदम रखा, वहीं पे गुरु जी की गाड़ी खड़ी हुई मेरठ में। मैं कह रही वाह वाह गुरु जी महाराज, पापा साथ आए हो, मैं बोल के आई थी ना, फिर आप बिलीव नहीं करोगे। उसके बाद नेक्स्ट डे शादी था, शादी वाले दिन हम गए बैंकेट में, मैंने कहा गुरु पापा मैं रेडी हो रही हूँ, आप भी हो जाओ रेडी, चलो साथ। अब देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ऐसे में वैसे, मैं बातें करती हूँ, पागल हूँ, छोटी हूँ, क्या करूँ। मैं कह गुरु पापा साथ रहते हैं, देखो कितना प्यार करते हैं, मेरे साथ चलो आप शादी में। मैं पहुंची शादी में बैंकेट तक पहुंचे, फिर गुरु जी की बाहर गाड़ी खड़ी, मैंने कहा वाह गुरु जी आप आए हो गुरु पापा मेरे साथ, वहां पर भी गुरु जी ने। और मैं वापिस आई, अब दिल्ली आना था नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जब हम आए, फिर तो आप मत पूछो, फिर तो मैं गुरु पापा को बोल रही अब अपने घर चलो आप, अब हम अपने घर जाएंगे, हम अपनी सेवा करेंगे, अच्छे से खाएंगे पियेंगे, रेस्ट करेंगे, गुरु जी ऐसे करेंगे, गुरु जी वैसे, गुरु जी कॉलेज भी है, गुरु जी ऑफिस भी है, आप जल्दी जल्दी सब कुछ काम करवा देना और अपनी सेवा भी करवा देना। घर आई मैं, रास्ते में आप बिलीव नहीं करोगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, पूरी टोटल 8 गाड़ियां मुझे गुरु जी की दिखी, आते आते बीच बीच में, बीच मेरठ से लेकर दिल्ली तक, मेरे घर तक, मेरे दरवाजे तक, मैं अपनी चौखट पे चढ़ी हूँ, जहां से उतरी हूँ स्टैंड पे, अपने स्टैंड पे, वहां भी गुरु जी वाले, गुरु जी की गाड़ी। तो गुरु जी महाराज पल पल अंग अंग साथ रहते हैं, गुरु जी से बातें करके। देखो अब मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ अपना, रिसेंटली जब मैं गई तो गुरु जी मुझे सबसे ज्यादा गुरु जी मुझे ड्रीम में ब्लेस करते हैं, और गुरु जी का कोई ड्रीम नहीं होता। गुरु जी कहते थे मेरा ड्रीम कोई ले ही नहीं सकता, मेरा ड्रीम लेके तो दिखा, गुरु का कोई ड्रीम ले सकता है गुरु जी का, महाशिव का कोई ड्रीम नहीं ले सकता हमारे गुरु जी का। तो जब गुरु जी ड्रीम में आते हैं उसका मतलब क्या होता है, सत्संग जी गुरु जी महाराज साक्षात दर्शन देने आए हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना वो ड्रीम था, वो गुरु जी आए थे मिलने। और मेरे को तो गुरु जी महाराज ने सत्संग जी, आप देखो वीक में अगर मैं गुरु पापा को बोल के सोई हूँ ना, गुरु पापा आपको आना है मेरे से मिलने, तो गुरु जी तो आना ही आना है, नहीं भी बोल के सोई हूँ तब भी आना है गुरु जी को, इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, तब भी आते हैं गुरु जी। तो जिस दिन मैंने सत्संग शेयर किया था, मैंने उस दिन भी सत्संग शेयर किया था, आप बिलीव नहीं करोगे मुझे कंटिन्यू 3 डेज तक ड्रीम आया। जो फर्स्ट ड्रीम आया मुझे गुरु जी का, तो गुरु पापा ने मुझे दर्शन दिए ड्रीम में बड़े मंदिर में, मेरे को और मेरे फियांस अंकल को, जो गुरु जी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है। इन फ्यूचर में मैं आपको बाद में शेयर करूंगी गुरु जी की आज्ञा से, क्योंकि अभी आज्ञा नहीं है गुरु जी की, सत्संग पूरा नहीं हुआ है। तो गुरु जी कहते थे जब तक सत्संग पूरा नहीं होता तो शेयर नहीं करना। तो गुरुजी ने बहुत दर्शन देते हैं गुरुजी ने हमें दर्शन दिए बड़े मंदिर में, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया प्रॉपरली, हमने दर्शन किए गुरुजी की गद्दी के पास, गुरुजी का जहाँ झूला है वहाँ पे हमने मत्था टेका, हर जगह हमने मत्था टेका, मुझे ड्रीम में दर्शन हुए। ठीक है, मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मुझे ड्रीम में दर्शन होते हैं ना, तो मैं उठ भी जाती हूँ, और जब उठ जाओ ना सत्संग जी, अगर आपको भी दर्शन हो रहे हैं और आपकी आँख खुल जाए, तभी आप गुरु पापा का मंदिर जाप किया करो, या गुरु जी को याद किया करो, या उनसे बात किया करो। ठीक है, तो मैं ऐसे करने लग जाती हूँ, मैं उठ जाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मुझे सेम ड्रीम आता है, मैं गुरु पापा से, मतलब अभी देखो 15 डेज हुए हैं, 15 डेज पहले से ना मैं हो तो बहुत दिन हो गए मेरे को, 2 महीने से मैं गुरु पापा को बोल रही हूँ, मतलब मैं पहले कम ही बोलती थी, गुरु पापा एम्पायर स्टेट अपने दर्शन करा दो गुरु जी, एम्पायर स्टेट गुरु जी का जो डिवाइन मंदिर है सबसे पहले, जहाँ गुरु जी दिल्ली में आए थे, एम्पायर स्टेट जो बड़े मंदिर के पास ही, आपने देखा होगा अगर आप गए होंगे तो, क्योंकि एम्पायर स्टेट देखो ऐसा धाम है गुरु जी का, चारों धाम गुरु जी के, आप कोई से भी धाम चले जाओ, डुगरी, जलंधर, एम्पायर स्टेट या बड़े मंदिर, चारों धाम में गुरु जी महाराज बैठे हैं। और बड़े मंदिर में तो गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देके गए हैं, जो बड़े मंदिर चला गया उसने 12 तीर्थ धाम कर लिए, करने की क्या जरूरत है, सारे 3 तीर्थ धाम गुरु जी के चरणों में। लेकिन एक मन होता है ना, कितनी ब्लेसिंग मिल जाए गुरु जी की, वो कम ही है। मैं गुरु पापा से बोल रही, गुरु पापा एम्पायर स्टेट बुला लो, काफी दिनों से बोल रही हूँ, और गुरु जी की परफेक्ट टाइमिंग से हम जा पाते हैं सत्संग जी। मैं पिछली बार हम गए भी, लेकिन हम जाने को हो रहे थे जब बड़े मंदिर हम गए थे, लेकिन हमारे दर्शन नहीं हुए, हमने पूरी लोकेशन देख ली लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि वो ओपन ही नहीं था। गुरु जी का एम्पायर स्टेट जब भी ओपन होता है वो फेस्टिवल पे ही होता है, बाकी बहुत कम होता है वो ओपन मंदिर। तो मैं अभी 15 दिन पहले गुरु पापा को बोल रही, मैं लगातार बोल रही, गुरु पापा एक बार एम्पायर स्टेट बुला लो, चाहे बाहर से दर्शन हो जाएंगे लेकिन करवा दो आप, बहुत दिन हो रहा है, मेरा मन हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है, आप मेरे दर्शन करवा दो प्लीज, मेरे अंकल के दर्शन करवा दो आप।
तो गुरुजी महाराज उस नेक्स्ट डे जब मुझे ड्रीम आया, गुरुजी आए ड्रीम में, गुरुजी साक्षात आते हैं मेरे ड्रीम में और मुझे दर्शन देते हैं। गुरुजी मेरे से बोलते हैं तू एम्पायर स्टेट आएगी और तू डेट देखी गई, प्रॉपरली डेट मुझे बता के गए इतनी डेट को तुझे एम्पायर स्टेट आना है 13 जून। गुरुजी महाराज ने मुझे डेट देखे गए हैं। तो तू बोलती रहती ना पंजाबी में, गुरुजी बोलते हैं मुझे पंजाबी नहीं आती, पंजाबी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं गुरुजी और इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर गुरुजी पंजाबी ही बोलते थे और इंग्लिश। तो गुरुजी मुझे डेट देखे गए 13 जून को तुझे आना है बड़े एम्पायर स्टेट। वाह वाह गुरुजी, मेरे आंखें खुल गई। मैंने कहा गुरुजी ड्रीम में आए थे, गुरु पापा ने मुझे डेट देखे गए हैं, इतना डिवाइन सत्संग। मैंने कहा गुरु पापा लख लख शुक्राना, आपने मुझे डेट दे दिया, मैं तसल्ली से बैठूंगी 13 जून तक। अब मैं तसल्ली हो गई, मुझे गुरु पापा ने बोल दिया तू आएगी, टेंशन ना ले। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, मेरी भी बहुत इच्छा है, पता नहीं कब मिलेगा मौका। बड़े मंदिर तो 3 बार हो गए दर्शन, गुरुजी जरूर बुलाएंगे। देखो गुरुजी ने मुझे डेट दी ड्रीम में आके, वो ड्रीम नहीं, गुरुजी आए थे साक्षात। गुरुजी आए थे क्योंकि गुरुजी का ड्रीम कोई ले नहीं सकता। गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मुझे 13 जून को बोला है कि तू आएगी, वेटिंग है 13 जून की गुरु बाबा, तो गुरु बाबा जी बुलाएंगे 13 जून को। तो ऐसे हमारे गुरुजी, उसी के नेक्स्ट डे मुझे फिर एक ड्रीम आया, गुरुजी का ड्रीम नहीं, गुरुजी महाराज आए और गुरुजी ने मुझसे बात करी, गुरु पापा ने प्रॉपरली बात करी। बात क्या करी, मैं किसी आंटी के घर गई हूँ और आंटी का दरबार है। अब वो मुझे आंटी का नाम नहीं याद आया, गुरुजी गुरु पापा उन आंटी का नाम मुझे रिमाइंड करवाओ, मुझे ना उन आंटी का नाम याद नहीं आ रहा। सत्संग जी मैंने पहले भी शेयर किया, उन आंटी का नाम नहीं, उन आंटी का दरबार है, बड़ा ब्यूटीफुल दरबार लगा रखा है। हम ना उनके घर गए हैं, तो जब उनके घर गए हैं ना, तो उनके दरबार लगाए, तो मैं और मेरे अंकल दर्शन करने गए हैं, जो मेरे होने वाले अंकल हैं, मैं और उनके साथ गई हूँ, मैं उनके साथ ही जाती हूँ, मैं गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, तो मैं उनके साथ गई हूँ दर्शन करने। तो वहाँ ना अंकल जो दरबार है गुरुजी के ना, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में बैठे हुए हैं, बड़ा सुंदर गुरुजी ने चोला पहना हुआ है वाइट और ब्लू कलर का, बड़ा प्यारा गद्दी लगी हुई है गुरुजी की, गुरुजी बैठे हुए हैं साक्षात, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में, मतलब मूवमेंट सब कुछ गुरुजी बैठे हुए हैं। और वहाँ पे 3-4 संगत बैठी हुई है आंटी, और जिनका दरबार है वो आंटी है, और मैं गई हूँ। तो मैं जाते ही ना गेट पे इतनी खुश हो रही हूँ गुरु पापा को दूर से देख के, गुरु पापा बड़े खुश हो रहे हैं, मुझे देख लिया गुरु पापा ने ऐसे करके। और आते ही जब मैं पास में आई ना गुरु जी के, तो मैंने कहा गुरु पापा आप कैसे हो, मैंने पूछा पहले, मैंने कहा आप कैसे हो गुरु पापा, गुरु पापा कहते मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है। मैंने कहा गुरु पापा मैं भी ठीक हूँ, गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं, मैं गुरु जी से बोल के सोती हूँ सत्संग जी गुरु पापा आप आना मेरे से मिलने आना, मैं नहीं रह सकती, पापा इतने प्यारे हैं मेरे लिए। तो गुरु जी आए, मेरा हाल चाल पूछ के गए हैं, मैंने गुरु जी को पूछा, इतने प्यार करते हैं गुरु जी, मैंने इतने बातें करी गुरु जी से, बैठी मैं 5 मिनट, मेरा ड्रीम जो था गुरु जी, फिर वो मैं खुल गई, मेरी आंखें खुल गई, फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखा और गुरु जी से शुक्राना करा, तभी मैंने लाइट जलाई। मैंने कहा गुरु पापा इतना डिवाइन सत्संग, आप आए थे आपने बात करी अभी अभी। ऐसे हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। तो गुरु जी ने ना छोटे छोटे सत्संग तो मुझे इतने दिए हैं, सत्संग जी ड्रीम सत्संग तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो गुरु जी साक्षात दर्शन देने आते हैं और गुरु जी मेरे से टेलीपैथी, गुरु जी ने मेरे से 3rd टाइम बात करी है, ये गुरु जी ने फर्स्ट टाइम मेरे से टेलीपैथी बात करी थी। मैं आपको बताती हूँ, 3rd टाइम मैंने आपको बताया, मैं पहले 2nd टाइम की बताती हूँ गुरु जी ने टेलीपैथी कब बात करी। इससे पहले ये सत्संग है, अभी ये सत्संग महीने भर हो गया होगा, फर्स्ट मतलब 1 मंथ हो गया इस सत्संग को। तो गुरु जी महाराज ने दर्शन दिए थे मुझे लेटे हुए, मैं बताती हूँ ना आपको, गुरुजी कभी सोते नहीं थे। गुरुजी कह रहे थे जब मैं सो गया, महाशिव सो गए, भगवान जी सो गए, तो फिर क्या होगा इसका, धरती का क्या होगा, सब कुछ बिगड़ जाना है फिर तो। इसलिए गुरु पापा कभी नहीं सोए, गुरुजी कभी कभार 5-10 मिनट संगत में लेट जाया करते थे, ऐसी बात करके लेट गए गुरुजी, कभी गुरुजी उल्टा लेटते थे, कभी सीधा लेटते थे। तो गुरुजी ने हमारा, मैंने ना ये ओल्ड संगत से सत्संग सुने थे, मैं सुनती रहती हूँ गुरुजी की, गुरुजी की आज्ञा होती है जिस दिन, तो वहाँ पे मैंने लस्सी आंटी से भी सत्संग सुना, उषा आंटी से भी सत्संग सुना, आरती सिंह आंटी से भी सत्संग सुना, मतलब और संगत बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं मैंने जिनसे सत्संग सुना है जिनका। और लस्सी आंटी जी से तो मैंने बात भी की है, और मैंने गुरुजी से बोला था, मैंने कहा गुरु पापा लस्सी आंटी का सत्संग कराना, और उसी दिन लस्सी आंटी आई थी उस प्लेटफॉर्म पर सत्संग करने। मैंने एक दिन पहले बोला और उसी टाइम इन्वाइट आ गया मेरे पास 4 घंटे बाद सत्संग जी, कि आज लस्सी आंटी जी आ रहे हैं लाइव, क्योंकि मैंने कभी ना YouTube पे सुना था उनका सत्संग, कभी लाइव नहीं सुना था। तो मैं गुरु पापा से बोल रही, मैंने कहा गुरु पापा जी
अजले सस्ती आंटी का सत्संग करवा दो आप, मैंने तो यूट्यूब पे सुना है। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 घंटे होने और लस्सी आंटी का सत्संग होना है। ऐसी ऊषा आंटी के साथ हुआ। अगले दिन फिर मैं गुरु पापा के पास ना बड़ी डिमांडें करती हूँ गुरु जी के लिए, गुरु जी पापा को मांगने के लिए तो मैं यही करती रहती हूँ। गुरु पापा फिर से मुझे आपका सत्संग सुनना है, उषा आंटी सिंह, उषा सिंह आंटी जी है ना, उनका सत्संग सुनना है जी। यस यस है। तो फिर वो गुरु जी ने फिर वही सेम, फिर मेरे पास 4 घंटे बाद इनवाइट आ गया। कल तो उषा आंटी जी का सत्संग है उसी प्लेटफॉर्म पे, और मैंने उनको शेयर भी किया ना, मैंने लस्सी आंटी से बात भी की थी अनम्यूट करके, मुझे मौका दिया गुरु जी ने, इतना ब्लेस्ड फील हुआ मैंने, जो गुरु जी के लिए लस्सी बनाया करते थे है ना। तो गुरु जी को उन्होंने बताया था, शायद मीठी मीठी लस्सी पीते थे गुरु जी, नमक वाली लस्सी कभी भी नहीं पीते थे। और आप भी शायद उन्हें मत देना, कि गुरु जी मना करते थे नमक वाली लस्सी जो होती है ना, जो एक जो आती है जो हम खाने के साथ खाते हैं पीते हैं, वो नहीं पीते थे गुरु जी, शायद मीठी लस्सी पीते थे। बाकी ना गुरु जी महाराज सॉरी गुरु पापा जी थोड़ा सा माइंड से हो रहा है, लेकिन वो मीठी लस्सी पीते थे गुरु जी। तो आंटी उन्हीं के लिए वही बना के लेके जाती थी, आंटी ने मुझे मतलब आंटी ने शेयर किया था, तो मैंने आंटी से बात भी की थी। मैंने कहा आंटी आपको पता है कल ही मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरु पापा लस्सी आंटी को बुला देना। तो आंटी भी कह रहे, आंटी कह रहे इतना सुनते हैं ना गुरुजी, अपने बच्चों की अपनी बेटियों की बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, और पल पल सुनते हैं गुरुजी। तो ऐसे ही गुरुजी ने टेलीपैथी मेरे से 3rd टाइम बात करी, सत्संग जी अभी करी, 2nd टाइम मैं आपसे शेयर कर रही थी, जैसे गुरुजी महाराज संगत में लेटा करते थे। तो मैं फिर गुरुजी से इतनी बातें करती, मैंने कहा गुरु पापा गुरु पापा हंस रहे हैं, गुरु पापा कह रहे हैं झल्ली है मेरी लड़की। गुरु पापा से मैंने कहा गुरु पापा आप ना मुझे ना दर्शन दो, कभी लेटे हुए जैसे आप संगत में लेटा करते थे ना, ऐसे मुझे लेटे हुए दर्शन देना कभी। मतलब मन में इच्छा हो रही है कि गुरु पापा को लेटा हुआ देखूं मैं, हमेशा बैठा हुआ देखा है, सत्संग में देखा है, गुरु जी हमारे घर आए हैं फिजिकल फॉर्म में, और गुरु जी सबको लंगर वो दे रहे हैं, कड़ा प्रसाद दे रहे हैं गुरु जी का, सचखंड प्रसाद जो गुरु जी देते थे अपने हाथों से मुट्ठी ले लेके गुरु जी देते थे ना, ऐसे गुरु जी ने दरबार लगाया यहीं पर, गुरु जी साक्षात बैठे हैं व्हाइट चोले में, सभी संगत आ रहे हैं हमारे घर में और प्रसाद दे रहे हैं गुरु जी, सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरु जी से मैं बोला, मैंने उस दिन मैंने जब ये सत्संग सुना ना, ये रिसेंटली मैंने सत्संग सुना, और सत्संग से उसी दिन मैं सत्संग सुनते सुनते गुरु जी से डिमांड कर देती हूँ, गुरु जी मुझे दर्शन देना, फिजिकल फॉर्म में लेटे हुए दर्शन दे देना एक बार, आप सोते हुए दर्शन, सोते तो थे नहीं गुरु जी, मतलब लेटे हुए मुझे दर्शन देना, आप लेटते हुए कैसे लगते थे, मड़ी पागल जल्दी हो मैं। तो गुरु जी से बोल के सोई, और गुरु पापा देखो कितना प्यार करते हैं गुरु जी, उसी रात ड्रीम में आए फिर से गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, ड्रीम सत्संग इतना प्यारा सत्संग, बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ मैं डर भी गई थी, मुझे डांटा था गुरु पापा ने, तो डांटते भी है गुरु पापा मुझे ना, मैं बता नहीं सकती, पनिश भी कर देते हैं मुझे। जब गुरु जी के ड्रीम आए ना, तो ड्रीम में मेरी दादी और मैं, मेरी दादी को काम है, ड्रीम मैम आपको शेयर कर रही हूँ, मेरी दादी को ना कोई काम है, और मेरी दादी काम से मुझे लेके जा रहे हैं बाहर, और बड़े मंदिर के नियर बाय लेके जा रहे हैं। तो दादी इतने तो अपना काम कर रही हैं, तो मैं कह रही हूँ अपनी दादी से, मैं आई हूँ बड़े मंदिर के पास आई हूँ, तो मन में बड़ा मन कर रहा है कि गुरु जी से मिल आऊँ मैं जाके। तो मैं अपनी दादी को बोल रही हूँ, दादी आप अपना काम करो, मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर गुरु जी से मिल के आ रही हूँ, 10 मिनट में दर्शन कर आऊँगी, और रात के 2:30 बज रहे हैं। और हकीकत में सात संगत जी, वो मेरा ड्रीम, मेरा हमेशा ड्रीम टूट जाता है जब गुरुजी को देखती हूँ ना मैं, तो गुरुजी से फिर मैं बातें भी करती हूँ जब मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। तो उस 2:30 बज रहा था जब मैं, मेरी आँख खुल गई ना, जो गुरुजी ने मुझे डांटा उस दिन, डांटा था गुरु पापा ने मुझे, डांटा भी था प्यार भी कर रहा था। तो ना 2:30 बज रहा था जब मेरी आँख खुली, तो मैंने कहा दादी आप बैठो मैं दर्शन करके आती हूँ 10 मिनट में। तो मैं रात गई हूँ, रात ही हो रही है बड़े मंदिर में भी, रात ही हो रही है, रात के 2:30 बज रहे हैं, और रियल में भी 2:30 बज रहे थे। तो वहाँ पे ना गुरु जी के आश्रम में बड़े मंदिर गए हैं प्रॉपरली, जैसे हमारे गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, तो वहाँ पे गद्दी के पास ना गुरु जी लेटे हुए हैं, जैसे फिजिकल फॉर्म में लेटते थे, जैसे मैंने डिमांड गुरु जी से बोला था ना, गुरु पापा मुझे दर्शन दे दो, जैसे आंटी ने ओल्ड संगत ने जो शेयर किया है, मुझे ऐसे दर्शन देना गुरु जी। तो ऐसे गुरु जी महाराज लेटे हुए थे, गुरु जी ऐसे करके लेटे हुए थे। तो मैं गई हूँ, तो मैंने ना चुपचाप देख रही हूँ कि रात के टाइम जा रही हूँ, डर भी लग रहा है कि कोई रोक ना ले, कोई था ही नहीं, और गुरुजी के गेट भी ओपन थे। तो एक गुरुजी की सेवादार अंकल बैठे हुए वहीं पे गुरुजी के आश्रम में, वहीं मंदिर में अंदर बैठे हुए अपना फ़ोन चला रहे हो, और नॉर्मली मैंने उन अंकल ने मुझे देख लिया कि बच्चा आया, और ऐसे ऐसे मैं चुपचाप बाहर से देख रही हूँ गुरुजी की गद्दी के पास, और गुरुजी लेटे हुए हैं, मुझे पता लेटे हुए हैं, और गुरुजी ने मुझे देख लिया है, देख के मैं डर गई कि गुरुजी डांटे ना, मैं इस टाइम आई हूँ, मन में ये देखो
तो अंकल ने देख लिया तो अंकल बोलते बेटा आप इस टाइम क्यों आई हो, इस टाइम दर्शन थोड़ी ना होंगे, गुरुजी के 2:30 बज रहे हैं। तो मैंने कहा अंकल नहीं मैं ना दर्शन करने नहीं आई थी, मेरा मन हो रहा था पास में, बस दादी आई थी तो मेरे को 2 मिनट बस गुरुजी के चरण छूने हैं और मैं दर्शन करके चली जाऊंगी गद्दी के। साक्षात गुरुजी वहां लेटे हुए, और जब गुरु पापा मैं पास में गई तो अंकल ने बोला चलो कर लो दर्शन अब आ गए हो तो। और जब मैं पास में गई ना गुरुजी के तो गुरु पापा कह रहे हैं इस टाइम आई है तू, है ये टाइम आने का है, पंजाबी में बोलते ये टाइम आने का है, तू इस टाइम आई है दर्शन करने। तो गुरुजी ना मुझे देख रहे हैं, गुस्से में देख रहे हैं गुरु पापा मुझे, और फिर गुस्से में देख के मुस्कुरा भी रहे हैं। तो मैं बस देखी जा रही, गुरुजी से डर भी गई, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा गुरु पापा पहले तो मैं बोल रही गुरुजी से, ड्रीम में मैंने इतनी बात बोली गुरुजी से, गुरु पापा मैं अभी दर्शन करने आई हूँ, मुझे भूल चुक माफ गुरुजी। तो मैं देखी जा रही हूँ, इतना खुश हो रही हूँ, रो रही हूँ, गुरुजी ने मुझे डांटा है ना कि तू इस टाइम आई है, और फिर खुश हो रहे हैं गुरुजी ऐसे करके। ये वाला पोज बनाया हो गुरुजी ने, जो आपने देखा होगा गुरुजी के स्वरूप में भी यही पोज, जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो स्वरूप है गुरुजी का, ऐसे करके गुरुजी महाराज मेरे पापा लेटे हुए हैं और मैं गुरु पापा से बोल रही गुरु पापा इतनी खुश हो रही हूँ उन्हें देख देख के, और वो मुझे डांट रहे हैं तो उस टाइम आई है। फिर गुरु पापा भी खुश हुए, उसके बाद मेरी आँख खुल गई। जब मैं आँख खुली तो मैंने फ़ोन की लाइट जलाई, अपनी फ़ोन तो लेके सोते ही हैं सब, मैंने फ़ोन की लाइट जलाई, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है मेरे उस पर वॉलपेपर पे। तो मैंने वॉलपेपर जब टाइम देखा तो 2:30 बज रहे, 2:30 मिनट। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी मैं अभी दर्शन करने आई थी और गुरु पापा को मैंने इतने मतलब किसेस करी, हक करा, गुरु पापा सॉरी कि मैं इस टाइम आई और अच्छा आपने मुझे दर्शन दिए। अभी लेटे हुए मैंने, क्योंकि रात को बोल के सोई थी मैं, और आप सही में आ गए हो। और लेकिन गुरुजी को ना हमेशा दर्शन नहीं मांगने सत्संग जी, ये ना मैंने सुना था, मैं ना पहले बहुत दर्शन मांगती थी गुरुजी से, और देखो गुरुजी से दर्शन मांगना है लेकिन गुरुजी से ये प्रूफ नहीं कराना कि आप मुझे प्रूफ करो कि आप महाशिव हो, नहीं ये चीज़ बहुत गलत कर देंगी, क्योंकि हम एक नॉर्मल पर्सन है, कलियुग की जीव है, गुरुजी महाशिव भगवान है परमात्मा, हम उनसे क्या अपने आप को। जब फिजिकल फॉर्म में ना बहुत सी संगत होती थी, और ये सत्संग मैंने ओल्ड संगत से सुना है, उनकी एक डॉटर थी और वो हमेशा गुरुजी से क्या बोलती थी, गुरुजी मुझे दर्शन दो, आप महाशिव हो ना मुझे रूप दिखाओ महाशिव का। गुरुजी ने सबसे पहले महाशिव का रूप ना शिव अंकल है ना उनके दोस्त उनको दिखाया था, उन्होंने शेयर भी किया हुआ आपने अगर सुना होगा तो। जब गुरुजी महाराज पाठ कर रहे थे नीचे बैठकर, वो सो रहे थे बेड पे, क्योंकि वो एक ही हॉस्टल में रहते थे, गुरुजी हमारे घर नहीं रहते थे। गुरुजी की जो बायोग्राफी है ना, गुरुजी की जीवनी, जिस दिन आप पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा, वो जीवनी मैंने पढ़ी है। गुरुजी ने इतनी सेवा दी है सात संगत जी, जीवनी पढ़ने का मौका भी दिया है गुरुजी ने मुझे, और आज भी मेरे पास वो जीवनी रखी है। कभी चाहा तो अपने प्लेटफॉर्म, मैंने अपने पेज पर पढ़ी थी गुरुजी की आज्ञा से, मैं दोबारा पढ़ूंगी तब आप सुनना वो जीवनी गुरुजी की, जिसमें गुरुजी की मम्मा ने उनको सबसे पहले गुरुजी भी बोला था, और जब से गुरुजी को गुरुजी ही बोला करते हैं, और गुरुजी के गुरुजी का नाम था लेकिन गुरुजी के नाम से कोई जानता नहीं, और गुरुजी कहते थे जो गुरु अपना एडवर्टीजमेंट कराता है अपने नाम से जाना जाता है और ये प्रूफ करता है कि हमने ये चीज़ करी है, तो वो गुरु हो ही नहीं सकता, वो असली गुरु हो ही नहीं सकता कभी भी सात संगत जी। और हमारे गुरु तो प्रैक्टिकली गुरु हैं, करके दिखाते हैं गुरुजी, गुरुजी ने सब कुछ करके दिखाया है, जो मैं बोलती गुरुजी महाराज करते हैं। मैंने क्या मांगा है गुरुजी से, हमेशा गुरुजी को मांगा है सत्संग जी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, गुरु पापा मुझे ये खाने के लिए चाहिए, ये पहनने के लिए कपड़ा दिला दो, यहाँ घूमना है। कभी कभी अगर गुरु पापा, मैं आज भी आपसे सॉरी बोलती हूँ, अगर गलती से गुरु पापा जी अगर मेरे मुँह से ये निकल जाए ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे माफ़ कर देना आप, अगर मैं डिजर्व करती हूँ तभी देना, क्योंकि गुरुजी से ना हमेशा गुरुजी को मांगो सत्संग जी। जब गुरुजी महाराज साक्षात आपके पास होंगे ना, आपके अंग संग होंगे, तो सब कुछ आपके पास होगा। मैं गुरु पापा से हर 1 घंटे में बात करती हूँ, हर 2 घंटे में बात करती हूँ, मतलब मैं ना एक होता है ना पागल सी हो जाती हूँ मैं, मतलब कुछ भी कर रही हूँ ना, पानी भी पी रही हूँ गुरु पापा, खाना भी खा रही हूँ गुरु पापा, नहाने भी जा रही हूँ गुरु पापा, मेकअप भी कर रही हूँ गुरु पापा। और गुरुजी ने कहा था अगर मेरी बेटियाँ मेकअप भी कर रही है ना, लिपस्टिक भी लगा रही है, तब भी गुरुजी को याद करना, गुरुजी अंग संग है। और मैं हमेशा करती हूँ सत्संग जी, आप भी करा करो गुरुजी को। देखो गुरुजी ने छोटे छोटे सत्संग मुझे बहुत दिए हैं, मैं आपको सेकंड टाइम गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी बात करी, टेलीपैथी का मतलब मुझे पता ही नहीं था, अब ये भी देखो मैंने गुरुजी से पूछा, मुझे टेलीपैथी का मतलब जब गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मेरे से बात करी थी मुझे उसके बाद भी पता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम का मैं आपसे सत्संग शेयर करूंगी जब टेलीपैथी बात करी गुरुजी ने, तो जैसे ही मैंने शुरू से हमेशा गुरुजी से सेवा मांगी है गुरुजी की,
और गुरु जी को मांगा है। और आज भी गुरु पापा मैं फिर सॉरी बोल रही हूँ आपसे, अगर मेरे मुंह से कभी गलती से निकल जाए गुरु पापा मुझे ये चीज चाहिए जो मेरे नहीं है, जो मैं डिजर्व नहीं करती हूँ और मेरे लिए ठीक नहीं है, तो गुरु पापा मैं मत देना आप मुझे, क्योंकि आप ही चाहिए। और आपको भी सत्संगत जी बस यही मांगना है, गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ लो, इस कीचड़ से काट लो। जब गुरु जी महाराज हाथ पकड़ लेंगे ना तो आपको सब कुछ सुंदर लगेगा, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, आपको खाना पीना, आपके रिश्तेदार भी बड़े अच्छे लगेंगे। क्योंकि देखो गुरु जी कहते थे रिश्तेदार जो होते हैं ना वो एक रिश्ता निभाने के लिए होते हैं, वो जरूरी है लाइफ में, लेकिन जो प्यार होता है ना, जो मोह होता है, जो हम किसी इंसान के बिना नहीं रह सकते, मैं मानती हूँ नहीं रह सकते लेकिन आपको जो मोह है ना वो कभी इंसान से करना ही नहीं है, मैं कह रही हूँ वो मोह आप भगवान से करो। क्योंकि जब भगवान ने तो जीवन दिया तो कुछ सोच समझ के ही तो दिया होगा ना। लेकिन बहुत से देखो ऐसे पर्सन भी होते हैं कि इंसान के बिना बिल्कुल इंसान मर ही जाता है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करना है, प्यार हमें भगवान से करना है। गुरुजी ऐसे कहते थे मेरी संगत विच मेरा वास है ना, आपके अंदर गुरुजी है, मेरे अंदर गुरुजी है, और हमें एक दूसरे से आंसर भी मिलते हैं। गुरुजी खुद कहते थे मेरी संगत से आपको मेरे आंसर मिलेंगे, मेरे से डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। गुरुजी से कैसे मिलेंगे, जब गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे आप, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन आपको संगत से नहीं, आपको मेरे से नहीं, मेरे को आपसे नहीं, गुरुजी से बनाना है, गुरु पापा से बनाना है। आज ही आप गुरुजी से बोलो गुरुजी ये आप मुझे बख्श दो कि मैं आपसे, क्योंकि देखो डायरेक्ट कनेक्शन एक सरेंडर जो वर्ड होता है ना, सरेंडर के हमने आप अपने आप को सौंप दिया गुरुजी को, नहीं हम सौंप ही नहीं सकते, हम होते कौन है, हम अपने आप को कैसे गुरुजी को बोल सकते हैं कि हमने आपको सौंप दिया, नहीं वो गुरुजी चाहेंगे तभी तो उस मुट्ठी में अपने को आपको बिठाएंगे। तो गुरुजी महाराज जब चाहते हैं तो गुरुजी से यही अरदास करनी है, गुरुजी ये मौका बख्श दो, ये पल बख्श दो कि गुरुजी हम आपकी सेवा कर सके, आप हमें अपना लो गुरुजी। जब गुरुजी हम आपको ऐसे बहा पकड़ लेंगे ना गुरुजी, हक कर लेंगे आपको, तो फिर किसी इस मोह माया की जीवन की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा लगेगा बाद में, तो सब कुछ अच्छा लगेगा, अभी कुछ नहीं होता सत्संगत जी। अभी तो हम इतने नॉनसेंस होते हैं कि हम मांगते भी हैं और अगर दूसरा दो बातें सुना के जा रहा है तो हम चार सुना देते हैं उसको। मैं भी करती थी और मेरे साथ कल भी ऐसा हुआ, मतलब मैंने अपने पे इतना कंट्रोल करा, गुरु पापा सॉरी, पापा सॉरी, आई एम रियली सॉरी गुरु जी। अब कल ऐसे हुआ, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ हमारी फैमिली में, सामने वाला पर्सन हमें पता है कि गलत है, तो सही कह रहे हो आंटी जी, उनकी इज्जत होगी तो हम अपने आप मालिक। जय गुरु जी। आंटी जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं क्या बता रही थी गुरु जी, हाँ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, तो जब हम गुरु जी से प्यार करेंगे ना तो गुरु जी जब मिलेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। अब सामने वाला हमें पता है कि चीज़ गलत थी, अब कल मेरे साथ ये हुआ, मैंने मतलब मैं बात कर रही थी अपने अंकल से, तो मैं उन्हीं को बोले जा रही हूँ, मैंने कहा ऐसे करा उसने, ऐसे करा उसने, ऐसे करा, लेकिन मुझे गुस्सा आ रही है, मैं उसको सुना के छोड़ूंगी मैं ऐसे। उन्होंने मुझे यही बात बोली कि आप गुरु पापा की बेटी हो, आप कैसी बात कर सकती हो, आज तक तो नहीं करी है, लेकिन मन में एक गुस्सा आता है ना, क्योंकि हम कलयुगी जी में गुस्सा आ जाता है, लेकिन उस गुस्से को पीना है, और मैंने कल पिया भी गुस्सा को, मैंने गुरु पापा से आके सॉरी बोला, मैंने कहा पापा आप मुझे पनिश कर दो, मेरी पिटाई कर दो, लेकिन मेरा मैं वही मुझे माफ कर देना गुरु पापा, आपको पता है मेरे से गलती होगी कि मैंने पीछे से क्यों बोल दिया उस इंसान को, वो उसके कर्म है, वो गुरु जी देखेंगे, वो हमारे कर्म है, हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए अपने कर्म चंगे रखने हैं, बाकी गुरु जी महाराज संभाल लेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको शेयर कर रही थी लास्ट सत्संग गुरु जी का, डिवाइन सत्संग फर्स्ट टाइम गुरु जी ने मुझसे टेलीपैथी बात करी थी, गुरु जी ने मेरे से यही बात करी थी टेलीपैथी, गुरु जी मैं गुरु जी से यही बोलती थी गुरु जी मुझे सेवा चाहिए, तो मुझे गुरुजी आए ड्रीम में, हमारे घर सत्संग हो रहा है, गुरुजी साक्षात बैठे हैं गद्दी पे, गई गद्दी लगी हुई है, व्हाइट कलर का चोला, हमेशा गुरुजी व्हाइट कलर का चोला पहन के आते हैं मेरे साथ जब भी सत्संग, गुरुजी मुझे ड्रीम सत्संग देते हैं, और गुरुजी ने ब्लू कलर का अपना मफलर डाला हुआ है ऐसे करके, तो गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु पापा वन बाय वन अपना बातें कर रहे हैं, तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे बुलाया इधर इशारे से, जैसे गुरुजी बुलाया करते थे, गुरुजी बात नहीं करते थे कभी फिजिकल, बहुत कम बात करते थे, गुरुजी ने इशारे से बुलाया और मेरे से कहा बता तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए, तो मैंने कहा गुरु पापा मुझे आप चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, दो चीज़ बोल दी। फिर गुरु पापा हंस के बोलते हैं और बता तुझे क्या चाहिए, मैंने कहा गुरु पापा मुझे आप चाहिए, आपकी सेवा चाहिए।
फिर गुरु पापा ने मुझसे कहा, अरे ये तो मैं तो हूँ ही तेरे पास, सेवा भी है तेरे साथ, सेवा तू तब भी करेगी जब तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे। ये ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे 2 दिन बाद दी थी, ये वर्ड मुझे गुरुजी ने 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बताया था। बस यही बताया था कि तू सेव, मैं तो हूँ ही तेरे साथ, ये नहीं बोला था कि तू तब भी सेवा करेगी जब तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे। तो मैं बच्ची हूँ, कब मेरे बच्चे होंगे। तो गुरुजी से मैं हमेशा पागल थी ना, मैं पागल चेटी थी, मैं गुरुजी से यही बोलती थी, गुरुजी सेवा दे दो, गुरुजी ऐसे। सेकंड टाइम गुरुजी ने बोला, मैंने फिर भी उनको यही बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे आप और आपकी सेवा चाहिए। फिर गुरुजी मेरे से थर्ड टाइम पूछा गुरुजी ने, और थर्ड टाइम का सत्संग मैं आपको अगली बार शेयर करूंगी, बिकॉज टाइम की भी लिमिट होती है और जो डेटा होता है ना फोन में, बेचारे उस गुरु पापा लाज रखना उसकी भी लिमिट होती है। तो मैं उसका थर्ड टाइम जो गुरुजी 3 बार जो चीज़ बोलते हैं ना, वो गुरुजी महाराज की कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होती है। मैं आपको इस पे सत्संग बाद में शेयर करूंगी। गुरुजी ने 3 टाइम मुझसे बोला, बेटा तुझे क्या चाहिए। फिर मैंने गुरुजी से यही बोला, गुरु पापा मुझे आप चाहिए, मेरा ड्रीम खत्म हो गया। तो इतने प्यारे हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं। गुरुजी ने मुझसे टेलीपैथी बात करी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये टेलीपैथी होता है। गुरुजी जब साक्षात खुद आके बात करते हैं वो टेलीपैथी ही बात होता है। मुझे बस ये पता था ड्रीम आया, गुरुजी का दर्शन कर लिया। मुझे बाद में गुरुजी ने बताया, खुद बताया डायरेक्ट कि इसे वो टेलीपैथी बोलते हैं। अब बताओ डायरेक्ट कैसे बताया, कनेक्शन, कनेक्शन डायरेक्ट बनाना है गुरुजी से। प्यार करो आप डायरेक्ट गुरुजी से, गुरुजी हमारा हमेशा साथ है। इसी के साथ गुरुजी के चरणों में कोई भूल चुक हो गई हो तो माफी, और गुरुजी महाराज बिकॉज डेटा का मैसेज आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरा काम भी फोन से होता है। मैं अभी ऑफिस का काम कर रही थी, ऑफिस का काम करते 20 मिनट बाद मैं जल्दी जल्दी से मैंने फ्रेश हुई, मैंने कहा गुरु पापा का दरबार, और गुरु जी के गुरु पापा को बुलाया मैंने। गुरु पापा ने मुझे टैली, ये देखो गुरु पापा ने मुझे फोन भी करा है, फोन पे मेरा हालचाल भी पूछे हैं। गुरु जी फोन पे भी मेरे से बात करते थे जैसे फिजिकल फॉर्म में भी करते थे गुरु जी। तो मैं आगे शेयर करूंगी, और इसी के साथ गुरु जी के चरणों में शुक्राना करेंगे गुरु जी का, गुरु जी भूल चुक हो जाए तो माफी। और आज हमारे घर में खाटू श्याम जी, जो मेरी मम्मा गए थे, आज मेरी मम्मा खाटू श्याम जी गए थे। देखो हमारे गुरुजी, मैं तो गुरुजी को, गुरुजी के अंदर ही सारे भगवान जी हैं। गुरुजी का खाना ही सारी देवी 9 देवियां बनाती हैं, गुरुजी का लंगर ही 9 देवियां बनाती हैं। तो देखो सारे भगवान, सारे 13 धाम हमारे गुरुजी के चरणों में। लेकिन मन करता है आपका, घूमो आप, कृष्ण जी के धाम जाओ, बजरंग बली के धाम जाओ, हर जगह जाना चाहिए, किसी भगवान को नहीं छोड़ना है। लेकिन गुरु होना जीवन में बहुत जरूरी है, तो इसलिए गुरु जरूर बनाना है। तो आज मेरी मम्मा गए थे, वहां गए थे खाटू श्याम जी, कल गए थे और आज ही आए हैं। तो आज खाटू श्याम जी के चरणों में एक प्यारा सा शब्द सुनाना चाहूंगी, और गुरु जी के चरणों में, और इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, भूल चुक माफ करना गुरु जी महाराज। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, गुरुजी मेरी लाज रखना। डेटा बिल्कुल 100% हो चुका है अब बिल्कुल बंद ना हो जाए। गुरुजी लाज रखना, मैं गुरुजी, गुरुजी ने मेरी इतनी लाज रखी है सास संगत जी, मैं आपको बाद में शेयर करूंगी, बहुत लाज रखी है गुरुजी ने। तो गुरुजी की चरणों में प्यारा सा शब्द, खाटू श्याम जी के चरणों में आज हमारे घर पे आए हैं खाटू श्याम जी, तो शुक्राना मालिक। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, तेरे द्वारे आया मैं बाबा, तेरे द्वारे आया मैं गुरुजी, बात रखना। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तू है दाता और मैं हूँ भिखारी, तू है दाता और मैं हूँ भिखारी, कैसे निभेगी अपनी यारी, कैसे निभेगी अपनी यारी। बन के भिखारी आया मैं गुरुजी, बन के भिखारी आया मैं बाबा जी, बात रखना झोली भरना। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, अपने दर पे देना ठिकाना, अपने दर पे देना ठिकाना, बुरे कर्म से हमें बचाना,
बुरे कर्म से गुरु पापा मुझे बचाना। बन के सवाल ले आया मैं गुरुजी, बन के सवाल ले आया मैं गुरुजी, बात रखना मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। हाथ जोड़ कर तुम्हें मनाऊं, आंख के आंसू बेटी चढ़ाऊं। देखो हमारे गुरुजी के आश्रम में सत्संग जी क्या चढ़ता है, कुछ चढ़ता है फूल, कोई धूपबत्ती, कोई घंटी बजती है, कुछ नहीं। गुरुजी महाराज को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। ये गुरुजी आंसू को मोती में बदलते थे, गुरुजी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। हाथ जोड़ कर तुम्हें मनाऊं, आंख के आंसू बेटी चढ़ाऊं। गुरुजी ने मोती समझ कर, गुरुजी ने मोती समझ स्वीकार करना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तेरे द्वारे आया मैं गुरुजी, तेरी शरण में आया मैं बाबा जी, बात रखना मेरी लाज रखना।